अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद हटक, बैंक रिकंसिलेशन के अल्टरनेटिव मेथड में आपके सामने हाजिर हूँ। पहले मेथड में हमें कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस दोनों दिए गए होते थे, और एडजस्टेड कैश बुक में जो है हम बैलेंसेस को टैली करते थे। यहीं पे जो अल्टरनेटिव मेथड है, इसी में आपको सिंगल बैलेंस दिया गया होगा, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया होगा और या पासबुक का बैलेंस दिया गया होगा। करना आपने ये होगा कि से अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है 7,000, तो फिर आपने जो है आंसर आपने मालूम करना है, जवाब आपने ढूंढना है किसका, पासबुक के क्रेडिट साइड का। और अगर पासबुक के क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया गया है, तो फिर आपने जो है आंसर में किसको तलाश करना है, फिर जो है आपने कैश बुक के डेबिट साइड के बैलेंस को ढूंढना है। अच्छा, एड और लिस्ट के हवाले से ये है, उसी का भी एक तरीक़ाकार था जो एड और लिस्ट हम करते थे, वो तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद जो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको दोबारा भी जो है उसी वीडियो की भी ज़रूरत है कि एडजस्टेड कैश बुक भी मैं आपको करवा दूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग, अगर 5-6 लड़की भी कह देते हैं कि दोबारा करवा दें, तो वो दोबारा जो पहला वाला जो फर्स्ट मेथड है वो भी मैं करवा दूंगा। इसका यह है कि से आपको ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया गया है, अपने एड और लिस्ट किसको करना है, ये बैलेंस का अपोजिट साइड है, ये आपने इसको एड करना है बैलेंस के साथ, और ये क्रेडिट है, और इसी तरह ये भी क्रेडिट साइड है, तो आपने इन दोनों साइड्स को ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस के साथ। और लेस के क्या करना है, इसी को आपने फिर लेस करना है डेबिट साइड को, और इधर भी आपने इसको क्या करना है, लेस करना है। मिसाल के तौर पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, तो यहीं पे भी गिवन है कि इफ़ द कैश बुक बैलेंस इज़ फेवरेबल डेबिट, तो क्या करना है, चेक इशूड या चेक ड्रान, देखें ये इसी साइड पर आता है, आपने इसको क्या करना है, जमा करना है। इस तरह फिर जो है इनकम है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो भी आ जाए, वो इधर जो रिकॉर्ड होगा उसी को भी आपने क्या करना है, आपने उसी को ऐड करना है। और लेस क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड या बैलेंस साइड पे आ रहा है, तो इसी को आपने माइनस करना है, और साथ में बैंक चार्जेस आ जाएं या ओवर चार्जेस आ जाएं या इंटरेस्ट चार्जेस आ जाएं, ये डेबिट साइड के हैं, इसी को भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, ये अगर आप फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं, कैसे कैश बुक का आपके पास बैलेंस हो, तो डेबिट बैलेंस हो, तो उसमें किसको आपने ऐड करना है और किसको आपने लेस करना है, बाकी फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेकेंडली आप आएँ, अगर कैश बुक के डेबिट साइड का बैलेंस है 7,000 जिस तरह के मैंने लिखा है, तो जो है जो अपोजिट साइड वाली चीज़ें हैं उसको आपने ऐड करना है, और जो सेम साइड वाली चीज़ें हैं उसको आपने क्या करना है, लेस करना है। इसी तरह आप दूसरे उस पर आएँ, तो अगर बैलेंस कैश बुक के क्रेडिट साइड का है, इसी साइड का है, से 3,000 रुपये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, फिर आपने क्या करना है, देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अपोजिट साइड पे है, फिर डिपॉजिट को आपने इसके साथ जमा करना है, और इसी तरह बैंक चार्जेस को भी जमा करना है, और लेस आपने चेक इशूड को करना है, और इंटरेस्ट इनकम या डायरेक्ट डिपॉजिट्स को आपने क्या करना है, इससे लेस करना है। मैं अपोजिट साइड पे, देखें बैलेंस इसी साइड का है, तो आपने इसको जमा करना है, डेबिट साइड को जमा करना है, क्योंकि बैलेंस किसका है, क्रेडिट का। और एड जो है, सॉरी लेस आपने क्या करना है, बैलेंस वाली साइड पे, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस के अलावा जो भी चीज़ें आ जाती हैं उसको आपने माइनस करना है, ये क्रेडिट साइड है, और इस तरह ये भी क्रेडिट साइड है, तो आपको इस आपने इसको भी क्या करना है, लेस करना है। ये दो चीज़ें सीख लें, फिर जो है पासबुक का वो आसान है, अगर आप कह देते हैं तो मैं पासबुक का भी तैयार कर लूँगा, उसकी जो है एक स्मॉल सी जो है वीडियो लेक्चर, और अगर आप फर्स्ट मेथड का भी कहते हैं तो वो भी मैं तैयार कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद हटक, बैंक रिकंसिलेशन के अल्टरनेटिव मेथड में आपके सामने हाजिर हूँ। पहले मेथड में हमें कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस दोनों दिए गए होते थे, और एडजस्टेड कैश बुक में जो है हम बैलेंसेस को टैली करते थे। यहीं पे जो अल्टरनेटिव मेथड है, इसी में आपको
सिंगल बैलेंस दिया गया होगा, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया होगा और या पासबुक का बैलेंस दिया गया होगा। करना आपने ये होगा कि से अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया गया है 7,000, तो फिर आपने जो है आंसर आपने मालूम करना है, जवाब आपने ढूंढना है किसका, पासबुक के क्रेडिट साइड का। और अगर पासबुक के क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया गया है, तो फिर आपने जो है आंसर में किसको तलाश करना है, फिर जो है आपने कैश बुक के डेबिट साइड के बैलेंस को ढूंढना है। अच्छा, एड और लिस्ट के हवाले से ये है, उसी का भी एक तरीक़ाकार था जो एड और लिस्ट हम करते थे, वो तो कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद जो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको दोबारा भी जो है उसी वीडियो की भी ज़रूरत है कि एडजस्टेड कैश बुक भी मैं आपको करवा दूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जो है आप लोग अगर 5-6 लड़की भी कह देते हैं कि दोबारा करवा दें, तो वो दोबारा जो पहला वाला जो फर्स्ट मेथड है वो भी मैं करवा दूंगा। इसका यह है कि से आपको ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का दिया गया है, अपने एड और लिस्ट किसको करना है, ये बैलेंस का अपोजिट साइड है, ये आपने इसको एड करना है बैलेंस के साथ, और ये क्रेडिट है, और इसी तरह ये भी क्रेडिट साइड है, तो आपने इन दोनों साइड्स को ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस के साथ। और लेस के क्या करना है, इसी को आपने फिर लेस करना है डेबिट साइड को, और इधर भी आपने इसको क्या करना है, लेस करना है। मिसाल के तौर पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश बुक का, तो यहीं पे भी गिवन है कि इफ़ द कैश बुक बैलेंस इज़ फेवरेबल डेबिट, तो क्या करना है, चेक इशूड या चेक ड्रान, देखें ये इसी साइड पर आता है, आपने इसको क्या करना है, जमा करना है। इस तरह फिर जो है इनकम है, इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो भी आ जाए, वो इधर जो रिकॉर्ड होगा उसी को भी आपने क्या करना है, आपने उसी को ऐड करना है। और लेस क्या होगा, चेक डिपॉजिटेड या बैलेंस साइड पे आ रहा है, तो इसी को आपने माइनस करना है, और साथ में बैंक चार्जेस आ जाएं या ओवर चार्जेस आ जाएं या इंटरेस्ट चार्जेस आ जाएं, ये डेबिट साइड के हैं, इसी को भी आपने क्या करना है, माइनस करना है। अच्छा, ये अगर आप फर्स्ट मेथड सीख लेते हैं, कैसे कैश बुक का आपके पास बैलेंस हो तो डेबिट बैलेंस हो, तो उसमें किसको आपने ऐड करना है और किसको आपने लिस्ट करना है, बाकी फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। सेकेंडली आप आएँ, अगर कैश बुक के डेबिट साइड का बैलेंस है 7,000 जिस तरह के मैंने लिखा है, तो जो है जो अपोजिट साइड वाली चीज़ें हैं उसको आपने ऐड करना है, और जो सेम साइड वाली चीज़ें हैं उसको आपने क्या करना है, लिस्ट करना है। इसी तरह आप दूसरे उस पर आएँ, तो अगर बैलेंस कैश बुक के क्रेडिट साइड का है, इसी साइड का है, से 3,000 रुपये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है, फिर आपने क्या करना है, देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अपोजिट साइड पे है, फिर डिपॉजिट को आपने इसके साथ जमा करना है, और इसी तरह बैंक चार्जेस को भी जमा करना है, और लेस आपने चेक इशूड को करना है, और इंटरेस्ट इनकम या डायरेक्ट डिपॉजिट्स को आपने क्या करना है, इससे लेस करना है। मैं अपोजिट साइड पे, देखें बैलेंस इसी साइड का है, तो आपने इसको जमा करना है, डेबिट साइड को जमा करना है, क्योंकि बैलेंस किसका है, क्रेडिट का। और एड जो है, सॉरी लेस आपने क्या करना है, बैलेंस वाली साइड पे, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस के अलावा जो भी चीज़ें आ जाती हैं उसको आपने माइनस करना है, ये क्रेडिट साइड है, और इस तरह ये भी क्रेडिट साइड है, तो आपको इस आपने इसको भी क्या करना है, लेस करना है। ये दो चीज़ें सीख लें, फिर जो है पासबुक का वो आसान है, अगर आप कह देते हैं तो मैं पासबुक का भी तैयार कर लूँगा, उसकी जो है स्मॉल सी जो है वीडियो लेक्चर, और अगर आप फर्स्ट मेथड का भी कहते हैं तो वो भी मैं तैयार कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।